हाय फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ में चिकन को क्लीन करने का सही तरीका। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 1.5 केजी चिकन, और चिकन को हमने एक बार पानी में साफ कर लिया है, और हमने इसमें डाल लिया है 5 से 6 चम्मच नमक। इसी के साथ इसमें हमने डाल लिया है 1 नींबू का रस, और अब इसमें हम थोड़ा सा जो है पानी डाल देंगे, और पानी डाल के अच्छे से इसे हाथों से इस तरह से मिला लेंगे। अच्छे से इसे इस तरह से हम मिलाते हुए इसे साफ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे बॉयल किया पानी। पानी को हमने 2 मिनट तक बॉयल कर लिया है। अब चिकन को हम 2-3 बार पानी में साफ कर लेंगे। तो आप चिकन को जब भी साफ करें बॉयल पानी में ही साफ करें। तो लीजिए, चिकन को हमने साफ कर लिया है और अब इसे हम पकाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और इसमें हम डाल देंगे 6 से 7 चम्मच सरसों का तेल। तेल जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 6-7 तेज पत्ता, और इसको हमने कट करके डाला है। इसी के साथ इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 लाल सूखी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को कुछ सेकंड तक भून लेंगे। अब यहाँ पे तड़का हमारा हल्का सा भून चुका है, तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 केजी प्याज को कट कर ली हूँ, और इसको हमने डाल लिया है, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पे प्याज को गलने देंगे